हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के ऊपर। तो टेक महिंद्रा के चार्ट में जो है आपको एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे जो किस लेवल पे हम लोग जो है यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं, क्या हम लोगों का लॉजिक रहने वाला है इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए, और स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होने वाला है। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। तो चलिए अब जो है एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के सामने टेक महिंद्रा का डेली चार्ट खुला हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो डेली चार्ट में जो है क्लियर आपको टेक महिंद्रा अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है मिड अक्टूबर से, यहाँ पे 14-15 अक्टूबर से जो है यहाँ पे कंटिन्यूस फर्स्ट टाइम यहाँ पे हिट किया, सेकेंड टाइम आपको यहाँ पे हिट किया, और थर्ड टाइम आपको यहाँ पे हिट किया। फाइनली आज जो है यहाँ पे क्लोजिंग इसके ऊपर दिया है। कंसोलिडेशन जो है आपको लास्ट के 2 मंथ से जो है यहाँ पे क्लियर एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा था, और जो है यहाँ पे आपको 2 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद आज जो है डेली चार्ट में आपको क्लियरली टेक महिंद्रा अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर भी क्लोज हुआ है, साथ ही साथ प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेक किया है और एक मेजर रेसिस्टेंस को भी ब्रेक किया है। तो कंसोलिडेशन लेवल जो है आपको 2 मंथ का है, तो इसका मतलब ब्रेकआउट जो है आपको ज़्यादा इफेक्टिव है, और जो है ये आपको थोड़ा लंबा चलने वाला है। तो इसलिए जो है लॉजिक ये है, जो हम लोग ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज हुआ है और अपने एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है, इसलिए हम लोग जो है इसको ट्रेड करने वाले हैं। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, जहाँ पर हम लोग इसको ट्रेड करने के लिए देख रहे हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज एक अच्छा मॉर्निंग सेशन में एक अप मूव हुआ, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी हुआ अप मूव का, और फाइनली आपको यहीं क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर एक 15 मिनट का कैंडल आपको यहाँ पे इस लेवल के ऊपर मिलता है, इस रेंज के ऊपर अगर मिलता है, तो यहाँ पे जो है आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे होने वाला है 1600 का। आपका जो है एंट्री होगा 1642.5 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जो है आपका एंट्री होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे क्लियरली एक बार आपको फिर से इंडिकेट कर दूँ, जब इस लेवल के ऊपर निकल के 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, तभी आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, और जो है आपका स्टॉप लॉस होने वाला है 1600 के लेवल पे। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टॉक जो है हम लोगों के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, हम लोग जो है यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करने लगेंगे। तो इसलिए जो है लेवल्स को पहले नोट डाउन कर लीजिए, 1641 के लेवल पे जो है आपको एंट्री लेना है, इसके ऊपर जो है 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दीजिए, और जो है नीचे की साइड आपका स्टॉप लॉस है 1600 का। तो 40 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस होने वाला हम लोगों का। टारगेट जो है 80-90 पॉइंट का मिनिमम टारगेट रहेगा, आगे का भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग इतना कैप्चर करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग अपने प्रॉफिट को लॉक करके और फिर जो है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, जैसा कि आज जो है डिवीज लैब का और एक्सिस बैंक का किया था, तो उसी तरह से जो है आपको इसका भी ट्रेड मैं अपडेट कर दूंगा अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ध्यान रहे, जो 1641 के ऊपर कैंडल क्लोज हो तभी लेना है। अगर इसके नीचे ही आपको इसी रेंज में रहेगा यहाँ पे, तो फिर जो है आपको वेट करना है, जब तक क्लोजिंग ऊपर नहीं दे हम लोग जो है यहाँ पे एंट्री नहीं करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।